नमस्कार। आज का विषय है उपवास, फास्टिंग। चिकित्सकीय स्वरूप में उपवास का बहुत ही महत्व है। यदि धर्म के साथ इसे जोड़ दिया जाए तो व्रत के नाम से जाना जाता है, किंतु प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग का मुख्य कारण है विजातीय द्रव्य, और उपवास उस विजातीय द्रव्य को बाहर करने का, रोग के कारण को दूर करने का मुख्य साधन है। फास्टिंग जो शब्द है वह लैटिन भाषा के फास्टेन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है दृढ़ या निश्चय। अर्थात उपवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित व निर्धारित अवस्थाओं में किया जाता है दृढ़ निश्चय के साथ, और भोजन का त्याग एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। उपवास को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी आत्मशुद्धि और आत्मविकास का एक प्रमुख साधन माना है। उपवास हम अलग अलग रूपों में करते हैं, कभी निर्जला व्रत रखते हैं या कभी पानी के साथ, किंतु उपवास का चिकित्सकीय महत्व बहुत ही आवश्यक है, इसे जानना जरूरी है। उपवास को शुरू करना, उसका अंत करना, यह जानना हम सब के लिए जरूरी है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं कि उपवास को शुरू कैसे किया जाए या इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। सर्वप्रथम उपवास शुरू करने से पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। पूर्व में जितना भोजन हम करते थे उसका सिर्फ एक चौथाई भाग लेना चाहिए, अर्थात 25%। साथ ही जिस उपवास को हम करने जा रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। प्रत्याहार अर्थात वो विषय जो हमें लालच की ओर ले जाते हैं या नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं, उपवास के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे दूर रहें, मन को संतुलित रखें, संयमित रहें। साथ ही उपवास से पूर्व रोगी के, या यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को जरूर माप लें। इन तैयारियों को हमेशा उपवास से पूर्व कर लेना चाहिए। साथ ही उपवास के शुरू में या दौरान सकारात्मक भाव हमेशा रखें, क्योंकि यदि हम मन से सकारात्मक रहते हैं तो शरीर भी उसके प्रति रिएक्ट करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। उपवास खत्म हो जाने के बाद यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने उपवास तो शुरू कर लिया, लेकिन उसका अंत कैसे हो। अक्सर यह देखा जाता है कि उपवास शुरू करने के पूर्व इतना खा लिया जाता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हानिकारक होता है, और यही दशा अंत में भी होती है। पूरे दिन भर हमें वो पोषक तत्व नहीं मिला, यही भाव रखते हुए हम उपवास जैसे ही खत्म होता है तो फिर से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, लोड बढ़ा देते हैं उस पर। यह बिल्कुल ही गलत है। यदि हम उपवास को चिकित्सकीय प्रक्रिया के साथ करें तो वो हमारे शरीर के लिए, साथ ही रोग को दूर करने के लिए लाभकारी होगा। आइए हम चर्चा करते हैं उपवास को कैसे तोड़ें, किस तरह उसे समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। यह जो नियम है वो पूर्ण उपवास या लघु उपवास के लिए लागू होते हैं। सर्वप्रथम पहले दिन उपवास तोड़ने के पहले दिन हमें फलों के रस को लेना चाहिए। एक एक घंटे के अंतराल में आधा आधा गिलास फलों का रस ले सकते हैं। दूसरे दिन एक एक गिलास दो दो घंटे के अंतराल में ले सकते हैं। तीसरे दिन थोड़ा सा फाइबर वाला अन्न ले सकते हैं। अन्न बिल्कुल भी नहीं लेंगे, फाइबर वाले फल ले सकते हैं, जैसे संतरा, अमरूद। इसी को दिन के अलग अलग खुराक के रूप में ले सकते हैं हम, जैसे सुबह एक संतरा, दोपहर में एक और शाम को एक। बीच में उसी फल का रस भी लिया जा सकता है या अन्य फलों का रस भी लिया जा सकता है।
चौथे दिन नाश्ते में अंकुरित अनाज लिया जा सकता है, दोपहर में फल और सलाद लिया जा सकता है, साथ ही रात में उबली हुई सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। पांचवें दिन नाश्ते में सलाद या अंकुरित अन्न थोड़ी मात्रा में, दोपहर में फल ले सकते हैं, शाम को उबली हुई सब्जियां और एक या दो चपाती लिया जा सकता है। छठवें दिन सामान्य आहार में अपने आप को ढाल सकते हैं, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी हम भोजन करें वह लिक्विड फॉर्म में अधिक से अधिक होना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, फाइबर वाली चीज़ें अधिक लें। ये हुए उपवास तोड़ने के नियम, जिनका यदि हम सही से पालन करते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि उपवास के लक्ष्य को हमने पूर्ण किया और रोग की यह अस्वस्थता की स्थिति को हमने पार कर लिया। कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि उपवास अब हमें तोड़ देना चाहिए, जैसे जब कड़ी भूख लगनी शुरू हो, जीभ पर मैल जमे होते हैं वो दूर हो जाएं, साथ ही जीभ साफ होकर जब लाल दिखाई देने लगे तब यह समझना चाहिए कि उपवास समाप्ति की ओर करने की या तोड़ने की स्थिति आ गई है, और मुंह का स्वाद अच्छा हो जाए, साथ ही मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाए, मोशन सामान्य हो जाए, दस्त या कॉन्स्टिपेशन की स्थिति ना हो, और साथ ही साथ शारीरिक अवस्थाओं के साथ मानसिक अवस्थाओं को भी ध्यान देना आवश्यक है। प्रसन्न मन हो, शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा हो, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, ऐसी स्थिति जब आती है तो हमें स्वतः ही उपवास को समाप्ति की ओर लेकर जाना चाहिए। उपवास के अन्य प्रकार भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही उससे जुड़ी और भी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।